अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सब व्यूअर्स, अभी जा रहे हैं हम अपने यहाँ पे घर का बालन लेने के लिए। सो वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो जिस भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। देख सकते हैं जैसा कि हम जा रहे हैं, सही लारी भी हाथ में है, रस्सी पॉकेट में डाली हुई है। सिर्फ ये है कि पानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर यह है कि पानी नहीं लाया मैं आज, तो अभी से प्यास लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वहाँ तक जाएंगे, काम पूरा करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आगे इसी तरह ही वापस आएंगे पानी के बगैर ही, घर जाके एक बार ही पियेंगे। क्योंकि ये तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है मेरे घर से यहाँ तक, तो मैं तकरीबन वो देख सकते हैं कितना दूर है, घर दिख रहे होंगे तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो हो ही जाता है। तो यहाँ से आगे भी तकरीबन तकरीबन दिन के 3 से 4 किलोमीटर दूर ना हो ही जाता है। तो इस वजह से ना अभी तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या क्या लेंगे, क्या क्या नहीं। ये देख सकते हैं सोया अच्छा हुआ है यहाँ पे भी, खजान का मौसम चल रहा है ना, पत्ते तो नहीं हैं इन पर। हाँ, ये पिछले सीज़न के जो लगे हुए हैं ना जड़ी बूटियाँ के, और जो उनके बीज होते हैं वो हैं ना, तो बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। रात को बारिश तो हुई है, अब इनकी ड्यू को मिलती रहेगी कि क्या ये खड़ी होंगी। अभी इंशाल्लाह खड़ी हो जाएंगी, 1-2 बारिशें और लगी ना ठीक पानी वाली। देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गीला बीच में है, ज़मीन थोड़ी थोड़ी गीली हुई है, तो इंशाल्लाह ताला अब जान उठा ही लेगी। अभी जा रहे हैं हम वापस, देख सकते हैं क्या पोजीशन है। तो अभी तो इन्हें बनाया है कि ठीक ठाक वजन है, पर ये कि नेचुरल है, ये तो सारे उठाते हैं, मैं इकलौता तो नहीं उठा रहा। तो फिलहाल तो अभी घर वापसी जा रही है, देख सकते हैं बूटी है नीचे, कंडे डाले हैं। तो फिर अभी वापसी घर पे जहाँ पे रुकूँगा वहाँ पे अभी देखेंगे, क्योंकि प्यास भी बहुत सख्त लगी है, पानी तो मैं लाया नहीं था, तो इस वजह से अभी वापसी जा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके जाऊँ, पानी की प्यास बहुत सख्त लगी हुई है। देख सकते हैं अभी हम बैठे हैं, अभी सफ़र बहुत दूर है, वो दिख रहे हैं घर तकरीबन अभी भी 1-1.5 किलोमीटर है, तो अभी टाइम लग जाएगा। तो रात को तो जो बारिश हुई थी उसका तो अभी कोई मतलब कि इसकी पोजीशन नहीं है, अभी इसको पानी और चाहिए, ज़मीन सूख गई है, फिर रात को जो पानी लगा अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं जी अभी फिर सूख गई है दोबारा, मतलब कि ज़मीन इतनी प्यासी हुई है, पानी नहीं है ना इसमें, तो अभी तो माशाल्लाह बहुत टाइम लगता है। देख सकते हैं हम तो ये रास्ते में बैठे हुए हैं, तो अभी तो ये देख सकते हैं रखे हुए हैं इधर बैठे हुए हैं नीचे, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ना घर चलेंगे। अब वो जो सामने आपको दिख रहा है पिलर, मतलब कि जो बड़े बिजली के खंभे हैं, तो अभी उसके पास जाके ना रेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ से तकरीबन जाएंगे उस तरफ, हम उधर जाएंगे, फिर उधर से वो उस खंभे के पास जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ तक भी ये वो नीचे सारी लाई है, उतराई है, फिर चढ़ाई, तो टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे जाके भी रेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या पोजीशन है। हम ड्रैक की घर आ गए थे, बीच में मतलब स्टे नहीं किया, तो अभी ड्रैक की हम घर आए हैं, देख सकते हैं अभी फेंका मैंने, तो अभी मैं बैठा हूँ, देख सकते हैं क्या हालत है, देखें क्या पोजीशन है ये। हमने दर्द कर रही है, तो अभी फिलहाल बैठे हैं, अभी इनको काटेंगे, काट के ऊपर रखेंगे, तो
ये भी देखें खाने के लिए आ गए। सुबह डाली थी, पूरा दिन कहते हैं हमें डालते ही रहें, खाते रहें, हम फुल भी हो जाएंगे ना फिर भी खाते रहते हैं। सो फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़। जिस भाई ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।